जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह का जयंती समारोह है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी संबोधित कर रही हैं, सुनिए। हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र जी राठौर साहब, हमारे सांसद राव राजेंद्र सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरीवास, हमारे विधायक देवी सिंह जी शेखावत जी, हमारे विधायक रविंद्र सिंह जी भाटी साहब, श्री महावीर सिंह जी सरवड़ी जी, श्रवण सिंह जी बगड़ी जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, यहाँ विराजमान सभी राजपूत समाज के समस्त हमारे वरिष्ठ जन, राजपूत सभा के समस्त पदाधिकारीगण, हमारी मातृशक्ति जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारी है, बहुत ही खुशी की बात है। मुझे भी गर्व है कि आप सब यहाँ इस समारोह में इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पधारी है। सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ और मैं सबसे पहले तो हमारे राम सिंह जी, हमारे अध्यक्ष राजपूत सभा भवन, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने आज आपके प्रयासों से आज इतनी बड़ी, इतना भव्य आयोजन सवाई जय सिंह की जयंती पर हुआ। ये पहली बार ऐसा हुआ है राम सिंह जी, तो मैं और मेरा परिवार आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता है, आभार व्यक्त करता है। हमारे समाज के महापुरुषों की जयंती, और मुझे लगता है कि हम इस तरह के आयोजन, ऐसे समारोह हम सब मिलकर अगर करेंगे तो राजपूत समाज के बारे में बहुत सारी जो ऐसी बातें हैं जो इतिहास में भी, मैं क्योंकि एक बात पे ध्यान आज यहाँ पर आकर्षित करना चाहूँगी। वैसे तो हम सभी जानते हैं हमारे पूर्वज सवाई जय सिंह जी का जो योगदान था जयपुर बसाने में, जयपुर को एक विश्व विख्यात शहर बनाने में, आज जो जयपुर की पहचान है पूरे विश्व में, वो सिर्फ और सिर्फ सवाई जय सिंह जी के प्रयत्नों की वजह से, उस समय जो उनका विजन था उसकी वजह से आज हम लोग जयपुर को जो पूरे विश्व में पहचान मिली है वो इसलिए। हम सबको गर्व है कि हम सब उनके पूर्वज हैं, उनसे हमको बहुत प्रेरणा मिलती। तो मैं जो बात कह रही थी कि एक बात है जो मुझे आज यहाँ कहना है, क्योंकि मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगी। मुझे लगता है हम सब जानते हैं कि सवाई जय सिंह जी ने जो कुछ जयपुर के लिए किया, राजस्थान के लिए किया, और ना केवल राजस्थान के लिए, जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भारत के लिए था उस समय, उसको हम भूल नहीं सकते। हाँ, लेकिन इतिहास में जितनी चर्चा होनी चाहिए, जो इतिहास के तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनके बारे में प्रचार प्रसार सही होना चाहिए, वहां कुछ कमी रह गई। तो मैं आज आप सबसे भी निवेदन करूंगी कि हम सब मिलकर जयपुर का जो इतिहास, जो सही इतिहास, वो इतिहास नहीं जो हमको ब्रिटिशर्स ने सिखाया या जो मुगल छोड़ के गए, वो इतिहास नहीं, लेकिन जो जयपुर का कछावा वंश का सही इतिहास है, उसके बारे में आज हम मिलकर ऐसा कोई निर्णय लें, यहाँ से संकल्प लेकर जाएं कि हम सब मिलकर सही इतिहास पूरे विश्व को बताएं। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये इस पीढ़ी की जिम्मेदारी है। वो जो ब्रिटिशर्स ने इतिहास लिखा, बहुत सारे बड़े बड़े इतिहासकार जो उस समय उनकी बहुत प्रशंसा भी हुई, और ना केवल उस समय हुई, अभी भी बहुत सारा उनको राजनीतिक बल भी मिला, राजनीतिक किसी ना किसी कारण से उनको वहां से भी सपोर्ट मिला, उनको बल मिला। वो सब बातें अब हम एक तरफ छोड़ दें और एक साथ हमारे समाज के लिए मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि उस समय जो आपस में लड़ाने का काम किया, चाहे किसी राजनीतिक पार्टीज ने किया, चाहे उस समय के जो इतिहासकार हैं उन्होंने किया, मारवाड़ को मेवाड़ से लड़ाना, मेवाड़ को ढूंढाड़ से लड़ाना, ये सब जो भ्रांतियां फैलाई और सच्चाई छुपाई गई, उसको दूर करने का हम सब मिलकर प्रयास करें। आज इस समारोह से हम ये संकल्प लेके जाए, क्योंकि आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्यों हुए हैं, सिर्फ आज की हमारी जो पीड़ाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनको बताने के लिए तो नहीं हुए ना। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये जितनी भी समाज को आज जो दिक्कतें आ रही हैं, समाज के सामने चुनौतियां हैं, उनको तो हम दूर करेंगे ही। हम आपके साथ, क्योंकि मैं भी एक पद पे हूँ आज, मैं आपके साथ खड़ी हूँ कि समाज को कोई भी समस्या आएगी तो हम मिलकर उन समस्याओं को दूर करेंगे किसी भी स्तर पर। लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती है हमारे इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ हुई है और लगातार होती आई,
हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको गलत इतिहास सिखाया गया, उसको दूर करने का संकल्प लेके जाना है, ये मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ आज यहाँ। और हमारी तरफ से, मेरी तरफ से प्रयास रहेगा कि आज मुझे एक पद मिला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, उस पद के नाते और एक परिवारजन के नाते, एक समाज के सदस्य होने के नाते मैं चाहूंगी कि हम सब मिलकर ये कार्य करें। और मैं मानती हूं अगर हम सब मिलकर ये काम करेंगे, समाज एक साथ मिलकर कुछ भी काम करेगा तो वो सफल होता है। इस प्रयास को भी आज हम लोग यहाँ पर करने का एक संकल्प ले, एक निर्णय ले। बाकी तो मैं यही कहूंगी, बहुत अच्छा आयोजन आपने किया राम सिंह जी, सब दूर दूर से यहाँ पधारे हैं, हम लोग ऐसे आयोजन करते रहे, मुझे लगता है इसमें समाज की एकता भी नजर आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि समाज एक नहीं है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हमारी कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर समाज पे कोई उंगली उठाए, या ना केवल हमारे समाज पे लेकिन 3600 कौमों की। तो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि अगर समाज एक साथ चलता है, एक साथ मिलकर संकल्प लेता है तो फिर वो सफल होता है।